अकेले अक्षय कुमार पर भारी पड़े खेसारी लाल यादव। जी हाँ, आपने तो ये गाना सुना ही था, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। जी हाँ, हाउसफुल फिल्म हाउसफुल का ये गाना था और आप लोगों ने तो ये गाना ज़रूर सुना होगा। और अब लोग ये कह रहे हैं कि इस गाने में जिस तरह से खेसारी ने भाई अपनी डांसिंग स्किल दिखाई है, अपने मूव्स दिखाए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने हुक स्टेप किए हैं ना, वो तो अक्षय कुमार के इस गाने से कहीं ज़्यादा आगे है। वैसे आपको बता दें, ओरिजिनली ये गाना अमिताभ बच्चन का, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये गाना इतना पॉपुलर है कि इसे समय समय पर रिक्रिएट किया गया और अब भोजपुरी में इसे रिक्रिएट पहली बार खेसारी लाल यादव ने किया है। और क्या किया है, जी हाँ, 3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज तो कब के हो गए थे, लेकिन बात अब यहाँ मुकाबले की हो गई है। जी हाँ, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को हर जगह से लताड़ा जाता है और ये कहा जाता है फूहड़ सॉन्ग बनाए जाते हैं, यहाँ तो अश्लीलता ही है, अब जो ये सॉन्ग देखेगा वो ये नहीं कहेगा। साथ ही साथ गजब की एंट्री है इसमें खेसारी लाल यादव की, और ब्लैक कपड़ों के साथ लाल गमछा। जी हाँ, पूरी तरह से ये गाना सभी को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। वैसे भी खेसारी के फैंस बॉलीवुड सॉन्ग को मात देने के लिए एक खेसारी का ऐसा सॉन्ग चाहते थे जिसे वो कह सके, भाई ये गाना भी देखो। वैसे खेसारी के मोस्ट ऑफ सभी गाने बहुत बेहतरीन होते हैं, पिक्चराइजेशन वाइज भी। और जहाँ तक इन दिनों खेसारी को लेकर, उनके गानों को लेकर बॉलीवुड में भी विवाद छिड़ जाता है, लोग यूट्यूब पर भी विवाद छेड़ देते हैं, ऐसे में खेसारी का ये गाना हर एक विवाद के मुंह पर चाटा है। आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही क्या आप सही में खेसारी के गानों को अश्लील मानते हैं? भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।